हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओप्पो मोबाइल में नेविगेशन बटन को कैसे लाया जाता है यह देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं हमारे यहां पर नेविगेशन बटन गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि हमें फिर से लाना है तो दोस्तों इसे कैसे लाया जाए, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपके मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद आपको स्मार्ट एंड कन्वीनियंट यह ऑप्शन सर्च करना होगा। तो यहां पर सर्च बार में जाकर भी यहां से आप स्मार्ट एंड कन्वीनियंस सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको स्मार्ट एंड कन्वीनियंस को ओपन करना होगा। दोस्तों, यहां पर आपको नेविगेशन बटन सर्च करना होगा। दोस्तों, आप यहां देख सकते हो यह रहा नेविगेशन बटन, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको वर्चुअल कीज नेविगेशन दिखाई देगा और स्वाइप अप गेस्चर नेविगेशन। तो दोस्तों, यहां पर हमारा स्वाइप अप गेस्चर नेविगेशन हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कीज दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, वर्चुअल की नेविगेशन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे आप वर्चुअल की नेविगेशन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो, यहां पर आपको नेविगेशन बटन यहां पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपके नेविगेशन बटन आ चुके हैं। यदि दोस्तों आप नेविगेशन बटन की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपली दोस्तों आप यहां से बैक जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप यहां पर बैक जाते हैं तो आप यहां देख सकते हैं हमारे यहां पर नेविगेशन बटन आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप ओप्पो मोबाइल में नेविगेशन बटन को ला सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।